नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सम्मान ज्ञान। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। तो क्रमबद्ध करना है कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद, चार ऑप्शन में उसको एक ऑर्डर में बनाना है। तो सबसे पहले जो हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हुआ था प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हुई थी आर्य समाज की स्थापना। फिर उसके बाद हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो हम कह सकते हैं कि 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है, देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र में समान नीतियों का निर्धारण एवं देश का संतुलित विकास सुनिश्चित करना। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, विकास परिषद का उद्देश्य पहला वाला है, ठीक है। सेकंड है दोस्तों, सभी क्षेत्रों के एक रूप विकास के लिए देशों के संसाधनों को जुटाना। तो ये भी विकास परिषद के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के। तीसरा है दोस्तों, योजना का निर्माण करना, यह गलत है, ठीक है दोस्तों, ये विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है। चौथा है दोस्तों, इन चरणों का निर्धारण जिसमें योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, तो ये भी हम गलत है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं ए और एक और दो सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर एस पाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो उच्च शिक्षा व शोध के विकास से संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है, ताजमहल के संरक्षण व बाहरी विकास के लिए किस प्रौद्योगिकी घराने को अनुबंधित किया गया है? तो आ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाटा को किया गया है। ताजमहल की देखरेख के लिए किसको दिया गया? टाटा, ठीक है दोस्तों, टाटा कंपनी को। निम्नलिखित में से किस किस शासक के समय स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो आया दोस्तों, जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा इस समय भारत में स्थित नहीं है? तो आया दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम संशोधन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो आया दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर की सहयोगी जड़ों का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? खाद्य पदार्थों में सहायक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोक्लोरीन किस रोग में सहायक सिद्ध हो रहा है? तो ठीक है दोस्तों, वह हो रहा है गठिया में, गठिया के उपचार में यूरोक्लोरीन का प्रयोग किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चिड़िया है? तो कौन सी चिड़िया है दोस्तों, तो कौन सी चिड़िया है? तो इनमें से जो चिड़िया कीवी चिड़िया है और पेगविन चिड़िया है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों चिड़िया हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में 18 में 90वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पाने वाली फिल्म है द शेप ऑफ वाटर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण गुणवत्ता संबंधन का डेमिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डेमिंग पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वह है जापान। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन की संयुक्त मुद्रा का नाम? तो है दोस्तों यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? तो वह है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्यपुरी की अध्यक्षता में गठित समिति का संबंध है? तो वह संबंध है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख सूचना के संबंध में सिफारिश, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्क एवेन्यू उत्पाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है, रेमंड से, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन 2020 किस राज्य की सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए तैयार की गई है? तो वह तैयार की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर क्या है? कंटूर क्या है? मानचित्र पर समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद फिर सबसे लास्ट में कौन है, चार ऑप्शनों में। तो सबसे पहले किसका कार्यकाल आता है? तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इसमें कालिदास पहले पे, फिर उसके बाद
कबीर दूसरे पे, फिर उसके बाद तीसरे पे जो आएंगे गुरु नानक, और चौथे पे आएंगे चैतन्य महाप्रभु। चौथे पे तुम कह सकते हैं कि 4-2, 4-1-2, 2-3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भारत का एक मानचित्र दिखाया गया है जिसमें से एक सिंबल बना हुआ है या का चिन्ह लगाया गया है, तो बताइए कि यह क्या दर्शाता है। दोस्तों यह जहाँ पे चिन्ह बनाया गया है वो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सवाना घास का मैदान है, तो सवाना दोस्तों जो घास का मैदान है, अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान को सवाना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान तो यहाँ भी नहीं पाए जाते हैं, और शीत कटिबंधीय घास के मैदान ये भी नहीं पाए जाते। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूखा से वृक्ष को किस प्रकार बचाएंगे, तो ऑप्शन है वृक्ष को कतरने से, तो ये गलत है ऑप्शन। पक्षियों को पत्तियों को ढककर, ये ऑप्शन करेक्ट है। और वृक्ष को काले कपड़े में काले कपड़े से ढककर, तो ये भी गलत है। उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन, 26 से 35 तक के प्रश्नों में दो कथन है जिन्हें कथन ए और कारण ए से अंकित किया गया है, तो पढ़िए और चुनिए। तो जो पहला ऑप्शन होगा दोस्तों ए वाला जो कहा जाएगा, इसमें क्या होगा दोनों सत्य होंगे और कारण जो होगा ए का पुष्टि कर रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और बी ऑप्शन जो होगा इसमें दोनों सत्य होंगे, ठीक है, मगर जो कारण होगा ना ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा होगा। इसमें सी वाले ऑप्शन में ए सही होगा और गलत होगा, और डी वाले ऑप्शन पे जो होगा ए गलत होगा और आर सही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर कि सभी केतुओं की पूंछ लंबी होती है, तो पूंछ लंबी होती है तो कह रहा है, तो ये बातें सही है, पहला ऑप्शन सही है। कथन क्या, रीजन क्या दिया हुआ है कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें भरी होती हैं, तो यह भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन नंबर करेक्ट है, क्योंकि क्या है दोस्तों कि ए और आर दोनों सही हैं, मगर आर जो है ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर समय ग्रीनविच के समय से 12 घंटे अधिक होता है, और कारण है ग्रीनविच इससे 180 अंश देशांतर पूर्व पश्चिम में है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो भी होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, तो यह गलत है क्योंकि अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट और उसका रीजन दिया हुआ है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, तो ये दोस्तों सही है। तो हम कह सकते हैं कि ए गलत है और आर सही है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने व बर्तन मांजने के लिए गृहिणियों छार का प्रयोग करती हैं, तो गृहिणियाँ जो हैं छार का प्रयोग करती हैं,
ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये सही है। क्षार पानी में शीघ्र घुलता है, तो ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं आर और ए सत्य है, मगर दोस्तों यह है कि जो आर रीजन उसका है, कथन ए की क्या है, पुष्टि नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। कथन दिया हो दोस्तों, 1821 में ब्रिटिश सरकार ने डोन जोन को विश्वविद्यालय से निकाल दिया था, तो निकाल दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही है, निकाल दिया था, वह उग्रवादी था, तो ये भी सही है दोस्तों। मगर ये जो है रीजन जो है, एक कथन ए का पुष्टि नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन दिया हुआ है, विश्व बैंक विकासशील देशों को नई ऋणों पर, नई दरों पर ऋण देगा, तो दोस्तों ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसका कथन दिया हुआ, रीजन दिया हुआ है दोस्तों, विकासशील देश अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, यह गलत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग दोस्तों कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट, ए सही है और आर गलत है। 32 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, धार्मिक रीतियों अव्यवस्थित हैं, रीतियां जो हैं अव्यवस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो धार ये क्या होगा कि एक गलत है, ठीक है, और उसका रीजन है मानव धर्म के समुचित विकास में सहायक है, तो यह है सही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या संख्या की तुलना में काफी कम है, तो यह जो होगा दोस्तों यह सही है। और उसका कथन दिया हुआ है, स्त्री शिशु मृत्यु दर अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि आर भी कथन रीजन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कथन रीजन जो है स्टेटमेंट ए का पुष्टि करता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में शहरी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यह सही है, ग्रामीण जन जन अपना व्यवसाय छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, तो यह भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो मगर यह बात है कि इसमें उसका कारण जो है कथन ए की पुष्टि नहीं कर रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो होगा उसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन दिया हुआ है, 1857 का गदर असफल रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी सेना भारतीय क्रांतिकारियों की अपेक्षा अधिक गठित थी, तो ये भी सही है। इसमें क्या है दोस्तों कि कथन रीजन जो उसका कारण है कथन ए की पुष्टि कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह दोस्तों दिखाया गया है, ग्राफ दिखाया गया है, एक आंकड़ा प्रदर्शित किया गया है। नीचे दिए गए ग्राफ में दो आम चुनाव में मतदाताओं की विभिन्न श्रेणियों में हुई वृद्धि को प्रदर्शित किया गया है। दूसरे चुनाव, यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है, दूसरे चुनाव में किस श्रेणी के मतदाताओं की सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो दो चुनाव को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ब्लैक वाला पहले चुनाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो व्हाइट कलर का आयताकार बॉक्स दिखाया गया है सेकंड चुनाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें यह पूछा गया है
कि इसमें देखिए किसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कुशल कारीगर को या उच्च अधिकारियों को और या सरकारी क्लर्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा क्या गया, दूसरे चुनाव में किस श्रेणी के मतदाताओं की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो दोस्तों देखिए, सबसे ऊंची इमारत किसमें दिख रही है, तो सबसे ऊंची इमारत जो दिख रही है वो किसान वाले में दिख रही है, तो सबसे ज़्यादा किसान वाले में दिख रही है दूसरे चुनाव में। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे के पहला यह है ब्लैक वाला और सेकंड कौन सा है, वाइट वाला आयताकार बॉक्स। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई, किसान वाले में, तो कितना परसेंट है, 70, 80 से 70 के बीच में है, तो 75% की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, 75%, तो हम कह सकते हैं कि 75% यानी किसान में है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्देश दिया हुआ है दोस्तों, यह दिया निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनिए। तो दोस्तों लिखा है, पहला कथन दिया हुआ है कि प्रेम व सुनील रसायन शास्त्र और नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेम और सुनील क्या पढ़ते हैं, प्रेम क्या पढ़ता है नागरिक शास्त्र, और सुनील क्या पढ़ता है नागरिक शास्त्र, सुनील क्या पढ़ता है भौतिक शास्त्र, इसमें फिर दिखाया गया दूसरे कथन में, और ज्ञान क्या पढ़ता है नागरिक शास्त्र, और रणधीर जो पढ़ता है भूगोल पढ़ता है, और प्रेम क्या पढ़ता है रसायन शास्त्र, ज्ञान जो पढ़ता है भौतिक शास्त्र पढ़ता है, और रणधीर जो पढ़ता है भूगोल पढ़ता है। तो रसायन शास्त्र कौन नहीं पढ़ता है, तो रसायन शास्त्र कौन नहीं पढ़ता है, तो ज्ञान नहीं पढ़ता है हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ज्ञान में कहीं रसायन शास्त्र नहीं आएगा, कौन पढ़ रहा था रसायन शास्त्र, रणधीर पढ़ रहे थे, नहीं प्रेम पढ़ रहे थे, प्रेम पढ़ रहे थे रसायन शास्त्र। ठीक है दोस्तों, और कहीं पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और कौन पढ़ रहा था, प्रेम ही पढ़ रहे थे, बाकी अकेले रसायन शास्त्र प्रेम पढ़ रहे थे, तो इसमें पूछा गया कौन नहीं पढ़ रहा है, तो ज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र कौन नहीं पढ़ता है, तो भौतिक शास्त्र कौन नहीं पढ़ रहा है, वह है प्रेम नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक शास्त्र कौन नहीं पढ़ रहा है, तो वह है रणधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल कौन नहीं पढ़ता है, तो भूगोल कौन नहीं पढ़ता है, सुनील, सुशील। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब खेले गए, तो कब खेला गया था, 776 BC में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे खेल और शब्द के जोड़े दिए गए हैं, सही मिलान कीजिए। तो एक तरफ खेल दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, और दूसरे तरफ दिए हुए हैं उनसे संबंधित शब्द, तो ये कौन से किससे रिलेटेड है, क्रिकेट दोस्तों बॉलिंग से रिलेटेड है, और जो होगा शतरंज जो होगा गैम्बिट से संबंधित है, और हॉकी जो होगा बुली से संबंधित है, मतलब हम कह सकते हैं कि तीसरे से संबंधित है, और टेनिस जो होगा स्मैश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि दो दो चार तीन ऐसा करके कुछ ऑप्शन में आ रहा होगा, 2 4 3, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भौगोलिक जानकारी में क्या क्या सही है, तो क्या क्या सही है इस कथन के अकॉर्डिंग,
रूम सागरीय क्षेत्र में स्पेन और पुर्तगाल सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, गलत है या सही है? ठीक है दोस्तों, पहला सही है। थार, सहारा, कालाहारी रेगिस्तान सभी अफ्रीका में हैं। तो यह दोस्तों गलत है, अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सिंगापुर, मेलागासी गणराज्य सम्मिलित है। तो यह सही है। चंद्रमा सूर्य का उपग्रह है। तो यह गलत है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों ऑप्शन नंबर एक और दो सही होंगे, तो बी ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो वह किए थे हिक्की ने, हिक्की ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन में यूमी यूरी सिंबन समाचार पत्र किस देश का है? तो दोस्तों वह समाचार पत्र कहाँ का? जापान का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंध घाटी के लोगों का निम्नलिखित में से किस देश से संपर्क था? तो किस देश से संपर्क था? मेसोपोटामिया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सन 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लगातार 12 क्रिकेट टेस्ट मैचों में विजय का विश्व रिकॉर्ड किस देश की टीम का है? तो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आज 6 वर्ष का होता है।